ये है दोस्तों आपकी लिंकन नेविगेटर। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। ह्यूमंगस एसयूवी, जिनको भी एक बहुत ही विशाल एसयूवी देखने का मन करता है या लेने का मन करता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये शानदार ऑप्शन है। इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या हुआ, दिल बड़ा रखिए, कभी ना कभी इंडिया में भी ये ब्रांड आएगा। और जो लोग ने लिंकन के लिए पूछ रखा था, उनके लिए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत समय से लोग लिंकन की गाड़ियों के लिए पूछ रहे थे, तो अब मैं आपके लिए विश फुलफ़िल कर रहा हूँ। इधर आप इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो आप देख रहे हैं, अच्छे से आप इसका पूरा फ्रंट प्रीव्यू ले सकते हो। इतनी ज़्यादा यूज गाड़ी है कि मुझे बहुत ज़्यादा पीछे खड़े होकर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जिसमें कि अच्छे से पूरी गाड़ी आ जाए। और बाकी आपको साइज़ यहाँ पर इसका दिख ही रहा होगा, किसी की भी ये दिल की धड़कन बन सकती है, स्पेशली जिनको भी चंकी और बड़ी एसयूवी पसंद है, इसीलिए शायद फॉर्च्यूनर इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है। और अगर ये भी लॉन्च हो जाए तो ये भी वैसे ही बिकेगी जैसे फॉर्च्यूनर है, मेरी ऐसी उम्मीद है। चलते हैं पास में, इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो आपको दिखा देते हैं। कैमरा मैं थोड़ा पहले ऊपर लेके चलता हूँ, फिर यहाँ से मैं आ जाता हूँ नीचे की तरफ। इधर आप देख लो, ये आपका हो गया अब इसका फ्रंट प्रोफाइल। चलते हैं, थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ और एक क्लोज़ व्यू पहले मैं आपको दे देता हूँ पूरा। ये तो इतनी ज़्यादा ह्यूज गाड़ी है कि मुझे भी इसमें नीचे बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। साइज़ आप देख सकते हो उसका, कितनी ज़्यादा बड़ी है, ह्यूज एसयूवी है ये। चलते हैं पास में और इसका जो पहले ग्रिल है वो आपको दिखाते हैं। खाली ग्रिल का साइज़ देखिए आप, कितना ज़्यादा है, ये लिंकन की ब्रांडिंग हो गई। नेविगेटर है ये। अब आ जाते हैं इधर, हेडलैम्प चेक कर लीजिए, पूरे फ्लैट फील पे दिए गए हैं, रैप अराउंड डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा कैमरा मैं पास में कर देता हूँ। इधर आप देखते हैं आपका जो क्रोम इंसर्ट है वो आपको दिया गया है। अब फ्रंट प्रोफाइल अच्छे से दिख गई है, और बढ़िया से देखनी है तो और मैं पीछे चले जाता हूँ। फिर से आप लोगों के लिए सब ये हो रहा है जिसमें कि आपको अच्छे से अच्छे कुछ अलग अलग गाड़ियाँ देखने को मिलें। अब इसकी की दिखाने का टाइम आ गया है, तो इसकी की चेक कर लीजिए, ये इसकी की हो गई। नॉर्मल कीज़ आपको देखने को मिले, जैसे मतलब नॉर्मल से ना मतलब है कि ऑटोमेटिक जो ओपनिंग वगैरह है वो सब आप इसे कर सकते हो। तो नॉर्मल की से ये मत समझ लीजिएगा कि मैं चाबी वाली की बात कर रहा हूँ। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आप चेक कर लो, फिर से बहुत ही ज़्यादा पीछे आना पड़ रहा है पूरी गाड़ी कवर करने के लिए, ये देखिए आप। चलते हैं पास में, इसका जो व्हील एरिया है वो आपको चेक करा देते हैं। देख लीजिए, हर तरफ आपको शानदार डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीचे भी आपको क्रोम इंसर्ट प्रोवाइड किया गया है। डोर हैंडल में भी आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है, ये आप देख लीजिए। बाकी आपका बॉडी कलर हो गया, विंडो लाइन में आपकी जो डोर लाइन है वहाँ पे भी आपको क्रोम इंसर्ट प्रोवाइड करा गया है। इधर आपका जो ORVM है वो आप देख लो, ब्लैक फिनिश पे दिया है, और आपका इंडिकेटर इंसर्ट भी आपको इधर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, नीचे कर देता हूँ कैमरा, और आपका जो इधर आपके कैमरा लगा हुआ है आपको पार्किंग में हेल्प करेगा, जब आप इंडिकेटर दोगे तो ये सब आपको काम में आता है। बाकी ऊपर देख लीजिए, आपकी जो रूफ़ रेल्स है सिल्वर फिनिश में नहीं, ये आपको दी गई हैं क्रोम फिनिश पे, पूरी क्रोम आपको जो रूफ़ रेल्स से प्रोवाइड करी गई हैं। चलते जाते हैं पीछे की तरफ, और इसका जो पूरा प्रोफाइल है वो आप देखते जाइए, साइड प्रोफाइल प्लस बैक प्रोफाइल। और इधर आपका जो फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप देख रहे हो, इधर आप देख रहे हैं अपना जो बैक प्रोफाइल है। नीचे देखते जाइए, लिंकन की ब्रांडिंग क्रोम पे, आपका हाई स्टॉप लैंप, डिफॉगर, और आपका जो रियर वाइपर है वो आपको दिया गया है। पार्किंग सेंसर्स हो गए, कैमरा हो गया, ये तो नॉर्मल फीचर्स हैं, ये तो आपको मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिखाना हम लोग की ड्यूटी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इधर आप देखते हैं आपका जो टेल लैंप है, सब कुछ आपको रेडी पे ही मिलेगा, ये भी पूरा आपको फ्लैट डिज़ाइन ही देखने को मिलता है जैसे इसके फ्रंट में है, देख लीजिए। क्रोम इंसर्ट पूरा दिया गया है। इधर कलर कैसा लग रहा है आपको ये ज़रूर बताइएगा। अभी मुझे लाइट है यहाँ पे ऑरेंज, तो मुझे तो लग रहा है मैरून है ये, हाँ मैरून ही कलर है ये, आप देख सकते हो मैरून कलर है। थोड़ा सा लाइट में मेरे को ध्यान से देखना पड़ रहा था। अब इसका बूट खोलने के पहले इसका जो अदर साइड है वो आपको दिखा देते हैं, जो है आपका को ड्राइवर साइड, ये देख लीजिए, को ड्राइवर साइड हो गया आपका। डोर हैंडल्स देख लीजिए, वो आपको मैंने उधर दिखा दिए थे, फिर भी आप देखना चाहते हो तो देख लो, अगर आप फॉरवर्ड करके आगे आ गए हो। पूरी गाड़ी देखनी है, अच्छे से देखनी है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए।
टायर का साइज़ रह गया था चेक करना, वो कर लेते हैं। इसका साइज़ है 285/45 R22 टायर्स आपको इसमें दिए गए हैं। अब आप सोच लीजिए इसी से इसका बूट है वो ओपन करना है, बस दो बार इसको प्रेस कर देंगे और जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिक पूरी जो इसकी फंक्शनिंग है वो आपको प्रोवाइड करी गई है, ये आप देख रहे हो। अब आप स्पेस देख लो पीछे, 3 row of seats हैं इसमें। अगर स्पेस बढ़ानी है तो आप अपना ये फोल्ड कर सकते हो, स्पेस बढ़ जाएगी आपकी। बाकी इधर आपका 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है पीछे के लिए भी। अब देख लीजिए इसका जो पूरा एंट्रेंस है ना, कितना ज़्यादा वाइड है, बाड़ी इतनी बड़ी है तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हो गई और अच्छी खासी स्पेस आपको मिलती है। बिल्कुल हिंदी में जो बोलते हैं ना विशाल गाय, वैसा कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको प्रेस कर दीजिए और ऑटोमेटिक आपको पूरी जो आपकी क्लोजिंग है वो हो जाएगी, स्विफ्ट फंक्शनिंग आपको देखने को मिलती है। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। अभी तक आपको अगर गाड़ी अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में डाल सकते हो, उसको रिप्लाई करने की कोशिश होगी। साथ में अब उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे। एक्सक्लूसिव देखने को मिल रहा है इसको, इसका डिटेल रिव्यू ज्ञानी इनफ है जो हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं नई से नई गाड़ियाँ लाने के लिए जल्दी से जल्दी। देख लीजिए अब आपकी जो LEDs हैं वो भी चालू हो गई हैं, तो इमेजिन करिए रात के टाइम पे कैसी लगने वाली है गाड़ी, ये शानदार ज़बरदस्त। अब इसका जो जो इसका ड्राइवर साइड है वो ओपन कर लेते हैं और जो इसकी पूरा प्रीव्यू है वो आप ले लीजिए। जैसे एक्सटीरियर है वैसे इसका इंटीरियर है, इतनी स्पेस है ये पूरा, आप एक घर बना सकते हो इसको। साथ में जो आपका डोर है वो आप देख लो, लार्ज डोर पॉकेट्स, लेदर फिनिश, स्टिच फिनिश, साथ में पूरा क्रोम। आपकी जो सीट एडजस्टमेंट्स है वो आपको इधर से करनी है, मेमोरी फंक्शन दिया गया है। इसके अलावा आपके जो पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, साथ में आपके ORV एडजस्टर हैं, डोर लॉक अनलॉक है, सब कुछ आपको टॉप नॉच क्वालिटी का देखने को मिलता है इधर। कुछ भी आपको सब स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ तो आपको ये सब उम्मीद भी रहती है। डोर में ही इतना कुछ है कि पूरा आपको अच्छे से मुझे दिखाना पड़ रहा है आगे पीछे आके बार बार। अब चलेंगे जो इसका एडजस्टमेंट, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको डोर से करनी है। लिंकन की लाइटेड इसका फ्लेट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं। अब यार मेरी हाइट 6 feet है तो मेरे लिए तो यार ये गाड़ी बहुत ही सही है, चलाने में मज़ा आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये, तो बाकी आप समझ ही सकते हो, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर आपसे बात करते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं आपको कि अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, अंदर बैठने में कैसा लग रहा है और कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या दिया गया है। लेट्स गो इनसाइड द कार। अब दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ, डैशबोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि लग रहा है भाई अभी बस बैंक बैलेंस 10 गुना हो जाए और मैं ये गाड़ी ख़रीद लूँ, इतना ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है। कभी मौका मिलता है आपको अगर तो ज़रूर बैठ कर देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्वालिटी क्या चीज़ होती है और उसके पैसे क्यों लगते हैं। इधर आप पूरा अच्छे से इसका डैशबोर्ड देख लो, आराम से देख लो, एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं ज्ञानी इनफ पे। अब ऊपर चलते हैं, इसका डैशबोर्ड चेक करा देते हैं। क्वालिटी आपको हर तरफ टॉप नॉच मिलेगी, ये आप देख सकते हो, मटेरियल क्वालिटी भी सुपर्ब है। आपका जो ग्रैब हैंडल है वो आपको इधर दिया गया, क्रोम फिनिश इधर भी देखने को मिलती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल पूरा आपको स्क्रीन टाइप प्रोवाइड करा गया या डिस्प्ले टाइप प्रोवाइड करा गया है, देख सकते हो आप। साथ में आपकी वुडन फिनिश भी दी गई है और क्रोम इंसर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। साइड्स में देख लेते हैं तो आपकी लाइट एडजस्टमेंट्स, आपके एसी वेंट और आप बूट वगैरह भी इधर से ऑपरेट कर सकते हो। एसी वेंट में भी आपको क्रोम और पियानो फिनिश देखने को मिलती है। पीछे आ जाते हैं तो इधर आपके सेवरल कंट्रोल्स हो गए, पूरी जो वुडन फिनिश है, क्रोम फिनिश है वो भी आपको दी गई है इधर। इसके अलावा आपके सेवरल कंट्रोल्स हो गए वो आपको प्रोवाइड करे गए, क्रोम फिनिश आपको इधर भी देखने को मिलती है। लिंकन की ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बाकी आप अपने व्यूज़ बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। अब इधर देख लेते हैं तो आपकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो गई, लगभग मेरे हिसाब से आपने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा हो कि ऊपर की साइड दी गई होगी, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे कोई बटन प्रोवाइड करी गई है। इंजन जो जनरली होता है वो इधर ही दे देते हैं नीचे की तरफ या स्टेयरिंग के साइड, लेकिन यहाँ पर क्या है इधर की तरफ दी गई है। अब दोस्तों आप पूरा इधर देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं पूरी जो वुडन फिनिश और आपका जो क्रोम है वो आपका कैरी करा गया है। ड्राइवर साइड मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, फिर से आप अगर देखना चाहते हो स्टीयरिंग तो मैं ऊपर कर देता हूँ। अब बीच में आ जाते हैं, नीचे तक पूरा देख लीजिए। अब खाली इसका आप साइज़ देखिए, सेंटर कंसोल का कितना ब्रॉड दिया गया है, कितना एरिया कवर कर रखा है इसने। अब ये हो गया आपका
इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरा क्रोम बॉर्डरिंग आपको दी गई है। होम पे प्रेस कर देता हूँ, टच देख लीजिए, सुपर बेयर। जब गाड़ी इतनी एक्सपेंसिव है तो आपको ये सब चीज़ों में कोई भी कंप्लेन नहीं मिलेगी। जल्दी से आपको इसका जो वो दिखा देते हैं ऑप्शन सेटिंग्स है, साउंड है, क्लॉक है, ब्लूटूथ है, फ़ोन एंड्रॉयड ऑटो डिवाइसेज वगैरह, एम्बियंट लाइट, मल्टी कलर्स, मल्टी कंट्रोल सीट्स, उसके बाद वैले मोड, वाईफाई, जनरल, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इधर आप देखते हैं तो क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल रही है पियानो फिनिश के साथ आपके एसी वेंट्स में। और बाकी आपका जो गियर एरिया है, मतलब कि सिर्फ आपको बटन प्रेस करने, लिंगन के आपको सब गाड़ियों में लगभग ऐसे ही देखने को मिलेगा। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, ये सब आपको दिया गया, बस प्रेस करते जाओ जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इधर भी आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिल रहा है। बाकी इधर देखते हैं तो आपके जो मीडिया कंट्रोल है वो आपको प्रोवाइड करे गए, दो रोटरी नॉब दी गई क्रोम फिनिश के साथ। और इधर आप देख रहे हो आपके एसी कंट्रोल एरिया हो गया, वुडन फिनिश पूरी आपको इधर मिलती है, प्रेस करिए ओपन हो गया, दो यूएसबी दी गई हैं, सिगरेट पैकेज है, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद इसको प्रेस करिए तो आपके कप होल्डर्स हो गए, इसको बंद कर देते हैं। ऊपर से देख लीजिए आप पूरा, इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गया, साथ में इधर आपके जो ऑटो ऑन ऑफ है, ड्राइव मोड्स है, ऑटो होल्ड है, पार्किंग असिस्ट है, वो आपको दिया गया है। अब मैं फ़िलहाल अभी इधर गाड़ी बंद कर देता हूँ, बैटरी थोड़ी सी इसकी कम है तो बचाते हैं बैटरी। इसके अलावा इधर आप आ जाइए, आपका जो ग्लव बॉक्स है वो ओपन कर देते हैं, मटेरियल क्वालिटी देख लो आप, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड दिया गया है। बंद करते हैं इसको। अब मैंने आपको सेंटर कंसोल दिखा दिया और आपका जो डैशबोर्ड है पूरा वो लगभग पूरा दिखा दिया, अभी पीछे से भी वन फ्रेम व्यू में दे दूंगा आपको। अभी तक आपको कैसा लग रहा है ज़रूर शेयर करिएगा, गाड़ी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अब स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ डैशबोर्ड में, तो जो क्रोम क्वालिटी यूज़ करा गया है ना, क्रोम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो फील आ रहा है इसको देखकर अभी सामने से बैठकर अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि हाँ उम्दा क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है। जो लोग भी कैमरे में अपना जो स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे कैमरे थ्रू, उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। इधर आपकी सनरूफ हो गई, चेक करते हैं वैनिटी के लिए, तो आपको लाइटेड वैनिटी दिया गया है इधर मिरर, और इधर भी आपको लाइटेड वैनिटी मिरर मिलेगा। ये बंद कर देते हैं, जब इधर दिया गया तो उधर भी लाइटेड ही मिलेगा, तो खोलने की ज़रूरत नहीं थी। अब फ्रंट से दोस्तों बात हो गई बढ़िया से आपसे, पूरा डैशबोर्ड मैंने आपको अच्छे से आराम से दिखा दिया है। अब दोस्तों मैं चलता हूँ सेकंड रो ऑफ सीट में, और वहाँ बैठकर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार। ये आप देख रहे हैं सेकेंड रो ऑफ सीट, थोड़ा मैं कैमरा इधर कर देता हूँ, अच्छे से आपको व्यू मिलेगा। अपना जो रियर डोर है वो आप देख लो, तो पियानो इंसर्ट्स आपको दिए गए हैं, आपका पावर विंडो हो गया, नीचे आपकी डोर पॉकेट्स हो गई, फुटस्टेप्स दिए गए हैं। गाड़ी इतनी ह्यूमंगस है कि आपको इसको यूज़ करना ही पड़ेगा अंदर जाने के लिए, नहीं तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है आपको अंदर जाने के लिए। बाकी अगर भाई और भी कोई हाइटेड लोग हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हैं अंदर, ऐसे भी चले जाएंगे। आपके ग्रैब हैंडल्स हो गए, ये भी आपको इधर भी साइड्स में दिए गए हैं, और क्रोम इंसर्ट आपको देखने को मिल रहा है। इधर देख लेते हैं अपनी सीट, तो आपको इधर भी आपकी जो एड्रेस एडजस्टेबल दिए गए हैं, और पीछे भी सीट्स का आप आइडिया ले सकते हो। पीछे मैं जाने नहीं वाला हूँ क्योंकि मैं मूवमेंट्स वगैरह नहीं करूँगा सीट की, आराम से जितना यहाँ पे शूट हो रहा है वो मैं करने वाला हूँ। चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर देख लेते हैं कि गाड़ी में अंदर बैठने में कैसा लगता है। वैसे इसमें कोई स्पेस का आपको इशू होगा नहीं, आपको डिफरेंट जो आपके हैं डिस्प्ले वो प्रोवाइड करे गए हैं आपकी इंटरटेनमेंट के लिए। लग्जरियस गाड़ियों में सब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए होती हैं। आपके एसी वेंट्स हो गए, साथ में आपके ग्रैब हैंडल हो गए, वहीं पे आपकी लाइट्स भी दी गई हैं, ये देखिए आप, बहुत अच्छी सी आपको रोशनी मिलेगी। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं तो ये आपके मीडिया कंट्रोल हो गया आपका, इधर आपको चार्जिंग दी गई है, दो यूएसबी दी गई हैं, और इधर आपका 150 वॉट का भी चार्जर दिया गया है, ये आप देख सकते हो। ये शायद वन ऑफ इट्स काइंड है, मैंने आज तक किसी गाड़ी में भी ये नहीं देखा, और इधर आपको ये प्रोवाइड करा गया, पूरा पूरा प्लग लगा सकते हो इसमें अपना एसी 230 वोल्ट और 150 वॉट। नीचे आप देखते हो इधर कोई भी बम्प नहीं दिया गया है, तो जो लोग भी बीच में बैठे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही मस्त पूरी गाड़ी डिज़ाइन करी गई है, शानदार, ज़बरदस्त। अब आप इसका लुत्फ़ लीजिए इसके सेंटर कंसोल का, जो बहुत ही बड़ा हाईलाइट है इस गाड़ी का, कितना ये वाइड दिया गया है ये आप देख सकते हो। बहुत सारी स्पेस यूटिलाइज़ करी गई है गाड़ी में, तो उस हिसाब से क्या बोला जाए, इसको वर्ड्स नहीं है अभी आपसे शेयर करने के लिए। जो खुशी और जो फीलिंग हो रही है यहाँ पे बैठ कर इसके अंदर, पीछे की सीट आप इधर से भी देख सकते हो, उधर भी आपको स्पेसेस प्रोवाइड करी गई हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट मैंने आपको दिखा दिया था, थोड़ा सा कैमरा इधर भी कर देता हूँ। ये आप देख लीजिए अपनी थर्ड रो ऑफ सीट, ऊपर भी आपको जो लैंप्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं, और आपके जो वेंट्स हैं वो भी आपको दिए गए हैं। अब
इसका सेंटर कंसोल आपको दिखाते हैं, इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको वन फ्रेम व्यू में दे देता हूँ। अच्छे से आपको वन फ्रेम व्यू पूरा मिल जाएगा इस गाड़ी का, डैशबोर्ड का। देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आपके प्यार से हम लोग को हिम्मत मिलती है कुछ नई नई चीज़ें लाने के लिए, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आपको दिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ ज़रूर विजिट करिएगा। देखते रहिए ज्ञानी इनफ़।